हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज सुबह मैंने प्रसाद में हलवा बनाया तो उसी का ही भोग लगाया। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर मैं झंडा लेके ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ही तिरंगा फहराना है। और देखिए अपना तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है। आज बड़ी ही खुशी का दिन है। झंडा फहराने के बाद आ रही हूँ नीचे और देखिए जीने पे हर श्रृंगार का पौधा रखा है। इसमें बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित पुष्प निकलते हैं। और फिर मैं आ गई किचन में। आज बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। लेकिन दोस्तों आज की सब्जी बड़ी ही टेस्टी बनने वाली है क्योंकि जब मैं ऊपर गई तो मैं प्याज लहसुन अदरक वगैरह छील के रख गई थी, मिक्सी में पीसने वाली थी। लेकिन मैं ऊपर चली गई तो मैंने कहा लौट के आके पीसूँगी, तो मेरे हस्बैंड ने मसाला पीस दिया तो उसमें सूखे मसाले में थोड़ा हल्दी उनसे ज़्यादा पड़ गई तो सब्ज़ी थोड़ी पीली पीली हो रही है। तो वही बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं था मैंने इतना इतना डाल दिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला फ्राई किया अच्छे से। और आज पनीर बनाना था तो मैंने कल ही रात में 1 किलो दूध को फाड़ के पनीर बनाया। घर का पनीर बहुत ही टेस्टी अच्छा रहता है। तो मैं ज़्यादातर अगर मालूम है कि कल पनीर खाना है तो मैं एक दिन पहले से दूध ज़्यादा ले लेती हूँ और उसी को फाड़ के घर में ही पनीर तैयार करती हूँ। और यहाँ देखिए मसाला हो गया है और मैंने इसमें डाल दी मटर। और इधर पनीर भी काट के रख दिया है और थोड़े से चावल भी बना लेती हूँ। आज पुलाव नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल फास्ट था तो थोड़ा सिंपल ही खाने का मन हो रहा है। और मैंने यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे नाश्ते के उनको भी फटाफट साफ़ किया। तो देखिए यहाँ पे मटर पक गई है और अब इसमें डाल रही हूँ पनीर। पनीर डाल के बस थोड़ी देर पकाऊँगी। सब्जी पूरी बन गई है और अब लगा लेती हूँ आटा। तो सोच रही हूँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँ और मुझे तो रोटी खानी है। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो देखिए इधर चावल बनेगा, जब तक उधर आटा लगा लेती हूँ। उधर सब्जी भी बन रही है और चावल भी चढ़ा दिए हैं और इधर आटा भी मैंने गूंद के रख दिया। और गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा लो अपना थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँ। और फेस वॉश करने के बाद आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए।
और देखिए सब्ज़ी बन गई है, अब धनिया डाल देते हैं ऊपर से और सबको खाना खिलाने जा रही हूँ। और यहाँ पे गौ माता के लिए पहली पूड़ी निकाल रही हूँ और कुछ पापड़ भी तलूँगी, उड़द के पापड़ हैं ये, तो खाने में अच्छे लगते हैं सबको। और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल दी हैं, बाकी थोड़ी रोटी बना लेती हूँ, तो जिसको जो खाना होगा वो खाएगा। और मैं रोटी सेक रही हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी कह रहा कि मैं भी रोटी ही खाऊँगा, अब देखते हैं जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। और यहाँ पे मैंने एक पूड़ी और थोड़े से चावल लिए हैं जो कि चिड़ियों के लिए डालूँगी, और डालने के तुरंत थोड़ी देर के बाद ही ये सब आ जाएंगे खाने के लिए। तो मैं जो कुछ भी खाती हूँ पहले इनको डाल देती हूँ जाके ट्रे में बाहर, आप बूंदी खाएं या मिठाई खाएं सब कुछ खा लेती हैं ये गिलहरी चिड़िया। मैं बर्फी डाल देती हूँ, वो भी बड़े प्यार से खाती हैं। और यहाँ मैंने अपनी लगा ली थाली, तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और देखिए मैंने पूरी डाली जाके और वैसे ही गिलहरी आ गई है।